इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास चैप्टर द इंडियन मतलब भारतीय धर्म ये पार्ट टू है अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो को देखने के बाद भी उसे देख सकते हैं और अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो चलिए आगे पढ़ते हैं जुदाइज मतलब यहूदी धर्म जुदाइज इज द रिलीजन फॉलोड बाई द ज्यूस और द दिब्रियूज मतलब यहूदी धर्म वह धर्म है जो कि ज्यूस और हीब्रियूस द्वारा फॉलो किया जाता है मतलब इस धर्म के फॉलोअर्स को ज्यूस और हीब्रियूस कहते हैं द दिब्र्यूज फर्स्ट लिव्ड इन मेसोपोटामिया अब्राहम वॉज देअर लीडर मतलब हिब्रूस पहले मेसो में रहते थे और उनके लीडर अब्राहम थे देटर माइग्रेटेड टू पालेस्टाइन

द जेव्स बिलीव इन वन सिंगल गॉड डेट इज जेहो वाह या वे ही लव्ड हिज पीपल बट पनिस्ड द रोंग डूअर्स और द सिनर्स। मतलब जेउ्स एक ही भगवान पे विश्वास करते हैं वो हैं जेहो वाह जो कि अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं और दोषियों और पापियों को दंड देते हैं दे बिलीव इन द कमिंग ऑफ मसीहा ऑन द अर्थ टू प्यूरिफाई दिब्र्यूस एंड क्लींस द वर्ल्ड ऑफ ऑल सिंस मतलब इनका मानना है कि धरती पर हेबर को शुद्ध करने मसीहा आता है जो कि दुनिया के सारे पाप को शुद्ध करता है लेटर ऑन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स फॉलोड द एंडसो ऑफ दोनोथेस्टिक रिलीजन मतलब मोनोथेस्टिक रिलीजन यानी एक स्वराधि धर्म जिसका मतलब होता है कि केवल एक ही भगवान पर विश्वास करना इसके सिद्धांत को क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स भी फॉलो करने लगे नाउ स्क्रिप्चर्स अब हम इस धर्म के शास्त्रों के बारे में पढ़ेंगे ओल्ड ट्रीटमेंट एंड द एपोक्रेफा आर देयर सेक्रेट बुक्स मतलब ओल्ड ट्रीटमेंट और एपोक्रेफा ये दो इनकी पवित्र किताबें हैं These scriptures contain द हिस्ट्री ऑफ Jews एंड द रूल्स टू बी फॉलोड बाई एवरी जेव मतलब इन किताबों में जेवस जो कि इस धर्म को फॉलो करते हैं उनके इतिहास मौजूद है और रूल्स मौजूद है जो कि हर जेव फॉलो करता है दे ऑल्सो कंटेन लेजेंड्स एंड पोएटिक वर्सेज टू टीच देम द राइट वे टू लिव मतलब इन किताबों में लेजेंड्स और पोइट्रिक वर्जेस भी मौजूद हैं जो कि जीने का सही तरीका सिखाती हैं मतलब एक ऐसी प्राचीन कथा जो कि सत्य है या नहीं ये पता ना हो दे कंटेन नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी मतलब इसमें औषधि और ज्योतिषी का ज्ञान मौजूद है द पीपल आर सपोज टू ऑफर प्रेयर्स टू गॉड एवरी डे द जेविस टेम्पल इज नॉन एज सिनी मतलब वो ऐसा मंदिर जहां यहूदी धर्म के लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं उसे सिनिगॉग कहते हैं नाव जैनिज्म जैन धर्म अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशंस देयर वेर ट्वेंटी फोर तीर्थंकर्स मतलब जैन धर्म के अनुसार चौबीस तीर्थंकर्स थे तीर्थंकर का मतलब होता है एक आध्यात्मिक शिक्षक जो धर्म की शिक्षा दे द फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभ देव मतलब पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे देयर इज लैक ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट ट्वेंटी मतलब पहले बाईस तीर्थंकर के बारे में हमारे पास कम जानकारियां हैं द्वेंटी थर्ड तीर्थंकर बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ काशी वाराणसी इन यूपी मतलब वो काशी के शाही परिवार से बिलोंग करते थे जो की वाराणसी यूपी में है आफ्टर विच ही अटेंड सुप्रीम नॉलेज मतलब उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और चौरासी दिनों तक कठिन तपस्या की जिसके बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई ही नॉन वायलेंस सेकेंड नॉट टू टेल ए लाई थर्ड नॉट टू स्टील एनीथिंग फोर्थ नॉट टू ऑन प्रोपर्टी मतलब उनकी शिक्षाएं थी कि अहिंसा को अपनाएं मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें झूठ ना बोलें, किसी भी चीज को चुराए ना और संपत्ति के मालिक ना मतलब उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करने का उपदेश दिया। मतलब बाद में उनके उपदेश जैन धर्म के सिद्धांत बन गए और उनके उत्तर अधिकारी महावीर थे मतलब महावीर ट्वेंटी फोर्थ तीर्थांकर थे द अर्लियर नेम ऑफ महावीर वॉज वर्धमान ही वॉज इन फाइव हंड्रेड फोर्टी बी सी मतलब महावीर का अर्लियर नेम वर्धमन था उनका जन्म पांच सौ चालीस बी सी में हुआ था द नेम ऑफ हिज फादर वॉज सिद्धार्थ उनके पिता का नाम सिद्धार्थ हिज रॉयल होम एट द एज ऑफ थर्टी ईयर्स मतलब उन्होंने अपने शाही घर को तीस साल की उम्र में छोड़ दिया आफ्टर ग्रेट मेडिटेशन ही अटेंड कैवल्या और सुप्रीम नॉलेज थ्रू विच ही कंकर्ड द फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन मतलब बड़े ध्यान के बाद उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसके जरिए उन्होंने खुशी और कष्ट की भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया आफ्टर दिस हीस मतलब इसके बाद उन्हें जिनदेव के नाम से जाना जाने लगा और उनके फॉलोअर्स को जैन्स के नाम से जाना जाने लगा ही लेफ्ट फॉर हेवनली अवॉर्ड एट द एज ऑफ सेवेंटी टू इन दर फोर सिक्सटी एट बी सी एट पावापुरी इन बिहार मतलब वो 468 सिक्सटी एट बी सी में पावापुरी बिहार में बहत्तर साल की उम्र में अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हुए वर्धमन महावीर प्रीज द सेम टीचिंग एज हिज प्रिडिसर एंड एडेड फिफ्थ वन डेट इज टू फॉलो ब्रह्मचार्य नॉट टू मैरी मतलब महावीर ने अपने प्रिडिसेशर यानी प्रसनाथ के ही उपदेशों का प्रचार किया और पांचवा उपदेश भी जोड़ा जो कि था ब्रह्मचार्य को फॉलो करना मतलब शादी ना करना

दे वे आर फर्स्ट राइट फैथ सेकेंड राइट एक्शन एंड थर्ड राइट नॉलेज त्रितात्ना और थ्री ज्वेल्स मतलब महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के तीन रास्ते बताए थे पहला सही विश्वास दूसरा सही काम और तीसरा सही ज्ञान इन्हें त्रितात्ना या थ्री ज्वेल्स भी कहा जाता है ही लेड ग्रेट importance ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस इन one's लाइफ उन्होंने जीवन में लड़ाई झगड़ा ना करना यानी अहिंसा पर बहुत महत्व दिया ही बिलीव्ड एवरी लिविंग बींगी प्रोटेक्टेड एंड नॉट किल्ड मतलब उनका मानना था कि हर जीवित प्राणियों में आत्मा है इसीलिए उन्हें बचाना चाहिए मारना नहीं चाहिए नाव स्क्रिप्चर्स अब हम जैन धर्म के शास्त्रों के बारे में पढ़ेंगे सूत्र इन संस्कृत इज द फेमस वर्क ऑफ जैनिज्म मतलब संस्कृत में कल्पसूत्र जैन धर्म का प्रसिद्ध कार्य है इट कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ ट्वेंटी फोर तीर्थंकर एंड द रूल्स टू बी ऑब्जर्व बाई दैन मुनीज मतलब इसमें चौबीस तीर्थंकर की आत्मकथाएं मौजूद हैं और जैन मुनि द्वारा देखे जाने वाले नियम मौजूद हैं फेमस जैन राइटर्स पर शिष्टा पर्व मतलब हेमचंद्र जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे द फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ जैन स्कल्पचर इज सेवेंटी फीट हाई स्टैचू ऑन ए हिल टॉप इन सर्वन वेल गोला इन कर्नाटक स्टेट मतलब कर्नाटक राज्य में सरवनवेल गोला की पहाड़ी पर जैन धर्म की मूर्तिकला की सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एक सत्तर फीट की प्रतिमा है जैनिज्म फ्लरिस्ड मेनली इन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया डेट इज तमिलनाडु कर्नाटक गुजरात राजस्थान मालवा उड़ीसा एटसेट्रा मतलब जैन धर्म का विकास ज़्यादातर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ है जैसे तमिलनाडु कर्नाटक गुजरात राजस्थान मालवा उड़ीसा इत्यादि इन सब जगहों पे। नाउ डू यू नो महात्मा गांधी बेस्ड इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस मतलब महात्मा गांधी अहिंसा के मूल सिद्धांत पर भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष पर आधारित थे मतलब उन्होंने बिना लड़ाई झगड़ा किए भारत को स्वतंत्रता दिलाया इस वीडियो में इतना ही इस चैप्टर में हमें और दो रिलीजन्स के बारे में पढ़ना है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में